सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो सभी? तो अभी मैं आया हूँ राजस्थान की जयपुर सिटी में, और आज मैं आपको दिखाऊंगा शुद्ध देसी रोमांस जो मूवी है वो यहाँ पे शूट हुई थी, उसकी शूटिंग लोकेशन आपको दिखाऊंगा मैं। तो अभी आप जो मेरे पीछे ये म्यूजियम देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। यहाँ पर काफ़ी पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं राजा महाराजाओं के ज़माने की। तो इस अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के सामने ही फिल्म एक शूट हुई थी। जब हीरो जो है बारात लेकर अजमेर के लिए जाता है तो यहीं से बस में बैठ के जाते हैं वो, तो हीरो जो है जीप में बैठ के जाता है और सारी बारात जो है बस में बैठ के जाती है। तो सीन अभी कुछ ऐसा है, ये आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं और इधर देख सकते हैं। तो यहीं से जाती है बारात जो है, तो ये सीन दिखाया गया है और इधर से भी दिखाया गया है सीन। देखिए ये वाला सीन भी दिखाया गया है मूवी में, तो इसको दो तीन एंगल से दिखाया गया है, बट मैं आपको से पूरा दिखा देता हूँ नीचे से ऊपर तक। और यहाँ पे काफ़ी साधन चल रहे हैं अभी, और इसके जस्ट पास में ही यहाँ पे ये आप दीवार देख रहे हैं, इधर यहाँ पे जू है, और इधर ये जा रहा है अजमेरी गेट के लिए जा रहा रास्ता, और काफ़ी बड़ा गार्डन है ये। अगर पूरे गार्डन की मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी ये। तो अभी यहाँ का बस इतना ही सीन लेते हैं और चलते हैं दूसरी लोकेशन दिखाते हैं आपको। और अभी आपने यहाँ का पूरा नज़ारा देख लिया है पीछे का, और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। पहले जाएंगे हम हवा महल, हवा महल का सीन दिखाएंगे। मूवी में हवा महल दिखाया गया है, बड़ी चौपड़ का सीन है और जल महल का भी सीन है कुछ। तो सारी लोकेशन पर अभी हम जाने वाले हैं, और मैंने यहाँ का सिर्फ वही लोकेशन शूट किया जो फिल्म में दिखाई गई, बट आप अगर कभी यहाँ पर आओगे तो बहुत ही शानदार जगह है, काफ़ी बड़ा गार्डन है और यहाँ पे चिड़ियाघर भी है देखने के लायक, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भी है, और यानी कि काफ़ी बड़ा गार्डन है ये, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का। तो कभी आओ तो आप देखना ज़रूर। अभी हम पहुँचे हैं हवा महल। हवा महल से दो सीन लिए गए हैं, एक सीन में हवा महल दिखाया गया है और दूसरे सीन में यहाँ पे जो चौराया है इसको बोलते हैं बड़ी चौपड़, तो बड़ी चौपड़ का सीन है। यहाँ पे दो छतरियाँ दिखाई गई हैं, क्योंकि यहाँ पे पीछे दो छतरियाँ हैं, ये दोनों छतरियाँ दिखाई गई हैं मूवी में, और मेरे पीछे इधर ये है हवा महल, तो हवा महल का सीन भी लिया गया है। फिल्म का एक सीन यहाँ पे फिल्मा गया था, ये सीन दिखाया गया इसमें थोड़ा सा। तो यहाँ पे दोनों छतरी दिखाई गई हैं, इधर जो राइट साइड में छतरी देख रहे हैं इसके सामने पहले पेड़ था लेकिन वो काट दिया गया है बिकॉज यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर क्रेन लगी हुई है और ये लिखा हुआ है यहाँ पर जीरो टॉलरेंस लिखा हुआ है, और यहाँ पे चल रहा है मेट्रो का काम। तो ये सीन दिखाया गया है एक, ये आप देख सकते हैं नीचे स्क्रीनशॉट में, और दूसरा वाला सीन में ये दिखाया गया है हवा महल। पवन जी हटना थोड़ा आगे से, हवा महल देखने दो पूरा एंगल ले आया ऊपर। तो ये सीन दिखाया गया है, बट हवा महल का सीन जो है ऊपर से लिया गया था और मैं आपको नीचे से दिखा रहा हूँ ये सीन है। और अभी मुझे वो लोकेशन मिल गई है जहाँ पर परिणीति चोपड़ा और हीरो जो है सुशांत सिंह राजपूत वो बैठकर खाना खाते हैं होटल में, तो वो ऊपर छत पर बैठकर खाना खाते हैं, तो वही छत मिल गई है। तो दिखाता हूँ उस छत का सीन दिखाता हूँ, और फिर इधर की साइड से जिधर से कैमरा दिखाया गया है फिल्म में तो उधर से वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये हवा महल का नज़ारा इधर है। और इधर से जो हवा महल देख रहे हैं आप, इसका ऐसा सीन आ रहा है मूवी में, तो सीन ये है हवा महल का। और अभी मैं आपको हवा महल को इसके जस्ट सामने से यानी कि फ्रंट से दिखाता हूँ एक बार, तो फ्रंट से ये ऐसा दिखता है हवा महल जो है भाई, ये ऐसा है। पहले भी मैं वीडियो में इसको दिखा चुका हूँ, दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया था मैंने। तो ये है हवा महल, और ये है इसके चारों तरफ की लोकेशन, इधर बड़ी चौपड़ है पहले दिखा चुका हूँ मैं इसको, और जस्ट इसके सामने यहाँ पर ये सरकारी स्कूल है इधर साइड में, और इधर मूवी में सीन लिया गया था इधर वो छत है। तो ये है चारों तरफ का सीन, ये अंदर का नज़ारा कि, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ। और अभी दूसरी साइड में आ गया हूँ मैं, अभी हम पहुँचे हैं जल महल, ये आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे महल बना हुआ है पानी के अंदर, इसलिए इसको जल महल बोलते हैं। तो यहाँ पर भी मूवी के एक दो शूट लिए गए हैं। तो अभी बजे हैं दोपहर के 10 और हमें थोड़ी भूख सी लग रही, तो यहाँ पे पीछे हम ये पवन जी खड़े हैं, नींबू पानी बन रहा है यहाँ पे, तो नींबू पानी पियेंगे पहले उसके बाद वीडियो शूट करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे कबूतर दाना चुग रहे हैं, बहुत ही शानदार नज़ारा है। और मूवी का सीन जो है यहाँ से लिया गया भाई,
थोड़ा और करीब से दिखा देते हैं। एक ये सीन है मूवी में और एक सीन में यहाँ पे दोनों जो छतरियाँ बनी हुई हैं अंदर ये दिखाई गई हैं, तो वो सीन मुझे दूर से लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लोग फ़ोटो शूट भी करवा रहे हैं काफ़ी, और ये देखिए पीछे जो हैं जो पहाड़ हैं बहुत ही गजब के लग रहे हैं। ये देखिए महल के ऊपर पेड़ भी खड़े हैं भाई। अभी मैं यहाँ से कैमरा जो चारों तरफ घुमा के दिखा देता हूँ आपको यहाँ का सीन। यहाँ पे गेट बना हुआ है और यहाँ पे गाड़ियाँ हैं बच्चों को घुमाने के लिए, ये देखिए। और ये फ्रंट का सीन है, इधर ये रोड है और इधर से आ रहा है ये हवा महल से भी अभी हम आए थे, और इधर अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से आमेर, तो ये रोड जो आमेर दरादर। और अभी मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ रोड पर, तो ये देखिए यहाँ पे जो गेट बना हुआ है यहाँ पे हाथी सवारी और पीछे सेना जा रही है घोड़े वगैरह, और कुछ लोग पैदल आ रहे हैं। ऐसा नज़ारा यहाँ पे जैसे कि राजा की बारात निकल रही हो। ये देखिए नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए हाथी पर बैठ कर राजा निकल रहा है, और ये देखिए पीछे काफ़ी लोग हैं, और यहाँ पे लिखा है अंदर जाना मना है। अंदर नहीं जाएंगे भाई हम तो, बाहर से दिखा देंगे। देखिए बहुत ही गजब का नज़ारा, और यहाँ पे छतरियाँ लगी हुई हैं, और ये देखिए इधर ये रोड है। ये देखिए भाई नज़ारा बहुत ही गजब का। और ये देखिए अभी मैं दूसरी साइड में आ गया हूँ, यहाँ पे देखिए दोनों छतरियाँ दिख रही हैं। तो कैमरा पता नहीं फिल्म वालों ने कहाँ से एंगल किया था, बट यहाँ से ऐसा सीन लग रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट में नीचे। और ये भी एक बार पढ़ लें आप, चेतावनी यहाँ पे लिखा हुआ है, झील में नहाना वर्जित है और सब कुछ जो है वर्जित है, यहाँ पे लिखा आप पढ़ सकते हैं। पानी भी काफ़ी भरा है यहाँ पे। तो अभी हम इसमें अंदर नहीं जा सकते बिकॉज अंदर जाना मना है, उसमें एक रीज़न है। काफ़ी समय पहले यहाँ पे एक लड़के की मौत हो गई थी। पहले यहाँ पे जहाज़ें चलती थी, जहाज के द्वारा लोग जाते थे अंदर और ऊपर भी घूमते थे महल में, अंदर भी घूमते थे, तो पूरा नज़ारा देखते थे अंदर का, बट अभी इसमें अलाउ नहीं है। हालांकि पानी इसमें काफ़ी है, लेकिन एक लड़का यहाँ पे ऊपर से गिर के मर गया था, इसलिए जाना अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं अंदर जाने की भी कोशिश करता यहाँ पे। तो शुद्ध देसी रोमांस जो मूवी है उसके पूरे सीन आपने देख लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बता देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना अगर पसंद आए वीडियो तो, और चैनल पर अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा लेना। तो इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।